खुलासा हुआ है। राजस्थान से गिरफ्तार मोहम्मद रफीक ने कई राज पूछताछ में उगले हैं। सलमान खान के अलावा दो और अभिनेता भी रडार पर थे, ये जानकारी मिली है। अन्य दो बॉलीवुड एक्टर्स के घर की भी रेकी की गई थी। लॉरेंस गैंग ने एक्टर्स के घर की रेकी करवाई थी। लॉरेंस के भाई अनमोल ने दोनों शूटर्स को मोटिवेट किया। अनमोल बिश्नोई ने दोनों शूटर्स को गोलीबारी का जिम्मा सौंपा। कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को टारगेट का नाम मिला था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ना सिर्फ सलमान खान के घर की रेकी की गई थी, बल्कि दो और बॉलीवुड के एक्टर्स रडार पर थे, उनके की घर की भी रेकी की गई थी। क्योंकि जिसने रेकी की गई वो शख्स यानी कि मोहम्मद रफीक राजस्थान से पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और उसी ने पूछताछ में ये कई बड़े राज उगले हैं, यानी कि सलमान खान के अलावा दो और अभिनेता रडार पर थे जिनके घर की रेकी की गई। लॉरेंस गैंग ने एक्टर्स के घर की रेकी कराई थी और उसका जो भाई है यानी लॉरेंस का भाई अनमोल, दोनों शूटर्स को मोटिवेट किया गया इस घटना को अंजाम देने के लिए। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसी ने दोनों शूटर्स को गोलीबारी का जिम्मा सौंपा और सिर्फ कुछ घंटे पहले ही शूटर्स को टारगेट का नाम मिला, यानी कि सलमान खान का नाम मिला कि इनको टारगेट करते हुए इनके घर पर फायरिंग करनी है। तो कई सनसनी केस खुलासे सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में, अपने दर्शकों को बता दें कि गिरफ्तार शख्स, गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में यह बात कही है कि दो और बॉलीवुड एक्टर्स के घर की भी रेकी लॉरेंस गैंग ने करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर बॉलीवुड एक्टर्स के घर की रेकी हुई। ना सिर्फ सलमान खान लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं, बल्कि ये माना जा रहा है कि बॉलीवुड के दो और एक्टर्स भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। क्योंकि लॉरेंस का बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसी ने ही शूटर्स को पूरे गोलीबारी का जिम्मा दिया था, मोटिवेट किया था और कुछ घंटे पहले ही टारगेट का नाम भी इन शूटर्स को बताया गया था। अब सवाल यह है कि वो कौन से दो और बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो रडार पर थे, जो निशान पर थे। अमित राय हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा कहा जा सकता है कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर सिर्फ सलमान खान ही नहीं, बॉलीवुड के दो और एक्टर्स। देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है कि दो और अभिनेताओं के का जिक्र सामने है। कि इसमें जो है दौरान उसने ये बताया है रफीक ने कि दो और अभिनेताओं के घर के वीडियो जो है वो बनाए गए थे, वीडियो बनाकर जो है वो अनमोल बिश्नोई को जो है भेजा गया था इस पूरे मामले में और उनके घर की भी रेकी की गई थी। हालांकि दो अभिनेता इसकी पूछ जो है वो लगातार चल रही, उनके नामों का खुलासा जो है वो अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रफीक ने जो है जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर, कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा जो है निकल सामने आ रहा है और लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है उनसे पूछताछ कर रही है। क्योंकि 13 मई तक जो है मोहम्मद रफीक की पुलिस कस्टडी जो है वो है यहाँ पर, आप 13 मई तक जो है लगातार क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है और इसमें आने वाले समय में जो है कुछ और खुलासे निकल कर सामने आ सकते हैं। पर बड़े खुलासे हो सकते हैं और वो दो कौन बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनके घर की रेकी की गई थी, हो सकता है उनके भी नाम सामने आए। लेकिन अमित, ये जो खबर है जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। क्या ये माना जाए कि मोहम्मद रफीक ने ही उन दोनों बॉलीवुड के एक्टर्स के घर पर भी रेकी की थी, जिसने सलमान खान के घर की रेकी की थी, यानी कि मोहम्मद रफीक जो अब हिरासत में आ चुका है पुलिस के? देखिए, मार्च महीने में जो है मोहम्मद रफीक मुंबई आया था, पनवेल इलाके में जहां इन शूटरों के लिए घर भाड़े पे लिया गया था, इनसे आके मुलाकात की थी, इनको जो है पैसे मुहैया कराए गए थे, इनको हथियार और जो है गन जो है वो मुहैया कराई गई थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये भी है कि हथियार मुहैया कराने तक इन दोनों शूटरों को ये पता नहीं था कि इन्हें इनका टारगेट कौन है, इन्हें कहां जाके जो है अटैक करना है। बाद में इन्हें ये कहा गया कि आप लोग पुण्य का काम कर रहे हैं और इस काम में अगर आप सफल हो गए तो आपको अच्छे पैसे
मिलेंगे, यानी हथियार देने तक सलमान खान के नाम का जिक्र जो है शूटरों के सामने नहीं था। उसके बाद जो है मोहम्मद रफीक, जो ये बताया जा रहा है कि मुंबई के कुर्ला इलाके में उसका एक घर भी बताया जा रहा है, उसे मुंबई के चप्पे चप्पे इलाके की जानकारी भी थी ये भी बताया जा रहा है, तो उसने जो है इन दोनों शूटरों के साथ जो है सलमान खान के घर की रेकी की। उसके बाद जो दो और फिल्म स्टार्स उसके घर की रेकी की और तीनों ही घरों के वीडियो बनाकर इसने रोहित गोदारा और अनमोल विश्नोई को भेजा। हालांकि जब इसका मोबाइल अभी खंगाला जा रहा है तो उसमें सारे वीडियो इसने डिलीट कर दिए हैं, जो चैट और एसएमएस किए गए थे वो भी डिलीट कर दिए गए हैं। तो इन सारे चैट्स को और वीडियोस को जो है मुंबई क्राइम ब्रांच जो है खंगाल रही है और ये देखना चाहती है आखिरकार वो दो अभिनेता कौन है, ऐसे कौन कौन से वीडियो है जो लगातार भेजे गए थे, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों से ये मोहम्मद रफीक डायरेक्ट टच में था अनमोल बिश्नोई के और रोहित गोदारा से, और दोनों शूटरों से जो लगातार जो है बातचीत चल रही थी, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी वो रफीक ही कर रहा था अनमोल और रोहित गोदारा के कहने पे। तो रोहित गोदारा का जो है ये खास शूटर जो है बताया जा रहा है यहां पर, जो डायरेक्ट टच में था, इसी कहने पे इस पूरे खेल को इसने अंजाम दिया। ये पांचवी गिरफ्तारी हुई है, इसे इस समय क्राइम ब्रांच की कस्टडी में रखा गया है, 13 मई तक जो है इसे पुलिस कस्टडी दी गई है। ये मोहम्मद रफीक की भूमिका इस पूरे मामले में क्या थी, क्या ये माना जाए कि उसको ये जिम्मा दिया गया था कि आप बॉलीवुड एक्टर्स के घर की रेकी कीजिए, या फिर वो एक मैसेंजर के तौर पर भी काम कर रहा था अनमोल बिश्नोई और शूटर्स के बीच के लिए? देखिए, दो शूटरों को जो हायर किया गया था उनको हायर करने से लेके पैसे मुहैया करवाना, रेकी करना, उनके जो घर लेना उनके लिए, उनको सारी जानकारी देना, हथियार मुहैया करवाना, और जो दो सेलिब्रिटी और सलमान खान के घर के वीडियो बनाकर रेकी करना, ये सारी जिम्मेदारी जो थी वो रफीक के जिम्मे थी, क्योंकि रफीक जो है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसकी अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा को थी। तो जो जो यहाँ चीजें मुंबई से डेवलपमेंट हो रहा था वो उन्हें जो है रिपोर्ट कर रहा था। मोहम्मद रफीक के रूप में बहुत बड़ी कड़ी हाथ लगी है पुलिस के लिए, माना जाए कि बहुत बड़े खुलासे अब हो सकते हैं। शुक्रिया तमाम।